मैनपुरी के लोगों के बीच स्थानीय सांसद डिंपल यादव जब मंगलवार को पहुंची तो उनके साथ बड़ी बेटी अदिति भी दिखाई दी। अदिति प्रचार में अपनी मां का हाथ बटाते दिखी। सपा प्रत्याशी डिंपल कार की अगली सीट पर थी तो पीछे वाली सीट पर बेटी अदिति और मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव बैठे थे। कार से उतर डिंपल मंच पर पहुंची और फिर शुरू हुआ जनता के साथ संवाद का सिलसिला। जनता को उन्होंने बताया कि भाजपा ने अपने किसी चुनावी वायदे को पूरा नहीं किया है। भाजपा की सरकार आई थी और उन्होंने कहा था कि सबसे पहले 14 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में पहुंचेंगे। बात यहां से शुरू करते हैं। उसके बाद कहा था कि 2 करोड़ लोगों की नौकरियां लगेंगी युवाओं की हर प्रति वर्ष। उसके बाद कहा था कि गैस सिलेंडर जो है बहुत सस्ते और मुफ्त मिलेंगे। उसके बाद कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें कही गई, जहाँ कहा गया था कि जो बिजली की व्यवस्थाएं में सुधार लाया जाएगा, जहां कहा गया था कि आवारा पशुओं की जो परेशानियां हैं जिससे हमारा किसान त्रस्त है आज, उसमें भी सुधार किया जाएगा, उन परेशानियों को हटाया जाएगा। कहीं ना कहीं यह सरकार जो जो बातें कहती आई है उन सभी में विफल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों का साथ समर्थन और प्यार समाजवादी पार्टी के साथ है। भाजपा अब तक अपना उम्मीदवार ही मैनपुरी से तय नहीं कर पाई है। ऐसे में लोगों का मानना है कि सपा के मुकाबले भाजपा चुनाव प्रचार में यहां पिछड़ गई है। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव में डिंपल ने 6,18,120 वोट हासिल किए। उन्होंने लगभग 3 लाख वोटों के बड़े अंतर से भाजपा प्रत्याशी को हराया। यहां के पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव ने दावा किया कि इस बार जीत और बड़ी होगी। इस चुनाव में मुझे पूरी उम्मीद है कि जो उपचुनाव में 2,88,000 वोटों से पार्टी जीती थी उससे भी बड़े मतों से इस बार मैनपुरी की जनता आदरणीय डिंपल यादव जी को यहाँ से चुनाव जिता के भेजेगी। मैनपुरी सीट पर आज तक के चुनावी इतिहास में कभी भी भाजपा जीत दर्ज नहीं कर पाई है। 1996 से इस सीट पर लगातार सपा जीतती आ रही है। मैनपुरी से दीपक कटारिया के साथ चुनाव डेस्क, डायनामाइट न्यूज, नई दिल्ली।